तो आज हम बात करने वाले हैं ईवी सेक्टर की कुछ ऐसी कंपनीज की जिसमें आपको रखनी चाहिए नजर इन 2024। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्साइड, ओलेक्ट्रा, ये सारी कंपनीज के बारे में तो आपको पता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ईवी कंपनीज की जो इस साल मचा देंगी धूम। ये चार कंपनीज के बारे में जानेंगे, उनके बिजनेसेस क्या क्या हैं और उनके फंडामेंटल्स पर डालेंगे नजर। चौथी कंपनी आपके लिए रहने वाली एक सरप्राइज, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप जरूर कुछ ना कुछ नया इस सेक्टर के बारे में जान के ही जाएंगे। सबसे पहली कंपनी है फीएम इंडस्ट्रीज। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोटिव लाइटनिंग कंपोनेंट्स जो कि यूज होते हैं अक्रॉस टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर्स इन ईवी सेक्टर। कंपनी ने रिसेंटली साइन किया है एक एमओयू विद गोगोरो इंडिया जो कि है ताइवान की लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर एंड वर्ल्ड लीडर इन बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजीज। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। कंपनी का ऑलमोस्ट 67% इज हेल्ड बाय प्रमोटर्स जो कि यूजुअली होता है गुड साइन, एंड उसमें से भी तीन मेजर शेयर होल्डर के पास है 54%। इसके बाद कंपनी का पीई इज ट्रेडिंग एट 19x जो कि बहुत बेटर है अपने इंडस्ट्री पीयर्स से विच इज 35x। कंपनी ने अपना डेट टू इक्विटी रेशियो भी पिछले 5 साल में बहुत इंप्रूव किया है जो कि गिरा है फ्रॉम 35% टू ऑलमोस्ट 2%। दूसरी कंपनी है राज रतन ग्लोबल वायर। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है टायर बीड वायर्स एंड ऑपरेट करती है इंडिया एंड थाईलैंड में। पिछले 3 सालों में उन्होंने अपना डोमेस्टिक प्रेजेंस इंडिया में बढ़ाया है। इसके बाद कंपनी ऑलरेडी एक मल्टी बैगर बन चुकी है। कंपनी का 2020 में प्राइस था अराउंड 44 एंड 2023 में कंपनी ने एक हाई बनाया था ऑफ 880। इसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स पे उसके प्रोजेक्टेड एनुअल अर्निंग्स एंड एनुअल प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे बढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री एंड मार्केट के कंपैरिजन में। कंपनी ऑलरेडी काफ़ी सालों से स्टेबल डिविडेंड्स देती जा रही है एंड हर साल कंपनी के डिविडेंड्स बढ़ भी रहे हैं। कंपनी का पीई रेशियो अपने इंडस्ट्री पीयर से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है एंड वो सब प्राइस में फैक्टर ऑलरेडी हो चुका है। और तीसरी कंपनी है प्रीकॉल। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस जिसमें आते हैं LCD, TFT एंड हाइब्रिड डिस्प्ले क्लस्टर्स। इस कंपनी ने भी पार्टनरशिप करी है एक चाइनीज फर्म के साथ जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में वो लाने की कोशिश करेंगे ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर डालते हैं नजर, जिसमें पिछले 5 साल में इस कंपनी ने अपनी अर्निंग्स मिल करी है ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑलमोस्ट 70% पर ईयर के साथ, एंड कंपनी का फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी भी रहने वाला है बहुत अच्छा अराउंड 21.6%। अब कंपनी और चौथा सरप्राइज स्टॉक है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया मैन्युफैक्चर करता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स जो कि यूज होते हैं स्टील एंड दूसरे मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। ग्रेफाइट इंडिया ने रिसेंटली 31% लिया है ऑफ हैदराबाद ईवी बैटरी मेकर फॉर 50 करोड़। रिसेंटली दुनिया भर का फोकस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स सिंथेटिक ग्रेफाइट जो कि अकाउंट कर जाएगा ऑफ 2/3 ऑफ टोटल ग्रेफाइट इन ईवी बैटरीज। अभी जो बैटरीज बनती है उसमें यूज होता है नेचुरल ग्रेफाइट विच विल ऑलमोस्ट बी रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक ग्रेफाइट। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर डालते हैं नजर, जिसमें कंपनी का पी इज ट्रेडिंग एट 15 विच इज वेरी गुड इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री पीयर्स ऑफ 39 एंड कंपनी के प्रमोटर्स के पास है ऑलमोस्ट 67% इक्विटी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से सेक्टर की खास कंपनियों के बारे में जानना है। थैंक यू।